देश के मशहूर संस्थान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से फायरिंग की खबर आ रही है। इस घटना में 2 कर्मचारी घायल हो गए हैं। इस मामले में एएमयू सुरक्षा कर्मियों ने 2 हमलावरों को पकड़ लिया है। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जिसमें हमें इत्तला ये मिली थी कि वहाँ पर गोली चली है, कई राउंड गोली चली है और उसमें 2 लोग जख्मी हुए हैं। जो घायल लोग थे उनको फौरन मेडिकल कॉलेज पहुंचा दिया गया और जैसे ही हमको इत्तला मिली, वो हमारी सिक्योरिटी स्टाफ को वहाँ पर राउंड पे था, वो भी मौके वारदात पर पहुंच गए और उन्होंने दौड़ा करके जो मारने वाले हमलावर थे उनको पकड़ भी लिया। पकड़ने के बाद में उनको पुलिस को हवाले कर दिया, पुलिस को इत्तला कर दी गई थी। वो पुलिस भी फौरन ही मौके वारदात में पहुंच गए और जो हमलावर थे उनको अपने कस्टडी में ले लिया। बाकी आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। ये दोनों जो घायल हैं वो यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार ऑफिस में मुलाजिम है और जो मारने वाले हैं वो भी यही लोकल है। उनका घर का पता मुझे नहीं मालूम है कि किस इलाके के रहने वाले हैं, लेकिन है वो अलीगढ़ के ही। जिनको गोली लगी है वो क्या नाम? जिनको गोली लगी है उनमें से एक का नाम नदीम है, दूसरे का नाम कलीम बताया जा रहा है और दोनों आपस में भाई बताया जा रहा है। एक स्कूटर से ही दोनों जा रहे थे, रास्ते में उनको गोली मारी गई। नहीं, अभी उनका नाम पता हमको नहीं मालूम है, लेकिन चूंकि वो पुलिस की कस्टडी में आ गए हैं तो डेफिनेटली वो अपना नाम और पता बताएंगे, सब सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन फिलहाल अभी हमको नहीं मालूम है कि वो कहाँ। अब एग्जैक्टली तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये बता रहे थे कि 3-4 राउंड लोगों ने सुना है। वहाँ पर जो आसपास में लोग रहे होंगे उन्होंने जो हमको इत्तला दी है वो यही दिया कि 4-5 राउंड गोलियां चली। सब जो पकड़े गए वो एमयू से ताल्लुक है तो नहीं, एमयू से कोई ताल्लुक नहीं। जो हमलावर है उनका एमयू से कोई ताल्लुक नहीं है और लेकिन रहने वाले अलीगढ़ के ही बताए जा रहे हैं, लेकिन वो ना यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है ना वो यूनिवर्सिटी में मुलाजिम है। सर मोटिव क्या रहा वो गोली मारने? अब देखिए ये तो जांच का विषय है, जब जांच आगे बढ़ेगी तो सारी चीजों का खुलासा हो जाएगा कि कौन मारने वाले हैं, उनका क्या मकसद था, ये वारदात उन्होंने क्यों अंजाम दी गई है। ये सारी चीजें जांच का विषय है और जैसे ही जांच आगे बढ़ेगी तो सारी चीजें पता चल जाएंगी। वहीं अलीगढ़ के एसपी अमृत कुमार जैन ने मामले को लेकर पूरी जानकारी दी है। थाना सिविल लाइन स्थित एएमयू कैंपस में आज सुबह फायरिंग की सूचना मिली, जिसमें 2 लोग जख्मी हो गए। दोनों को ही इलाज हेतु जेएनएमसी अस्पताल भर्ती करवाया गया। स्थानीय पुलिस ने तुरंत ही संज्ञान लेते हुए मौके पर पहुंचकर एएमयू सिक्योरिटी के साथ मिलकर 2 हमलावरों को हिरासत में लिया। फील्ड यूनिट ने मौके पर पहुंचकर महत्वपूर्ण साक्ष्यों का संकलन किया। सुसंगत धाराओं में थाना सिविल लाइन में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। घटना का मुख्य उद्देश्य अभी इंटरोगेशन में जो सामने आया वह आपसी रंजिश एवं पूर्व में चल रहे आपस में मुकदमे होना पाया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है एवं मौके पर शांति व्यवस्था है।